पश्चिम बंगाल में हुए विभत्स कांड को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। हम बात कर रहे हैं आरजीकल मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में, जिसे लेकर एक बार फिर से जो अगर आप कहेंगे कि डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार जस्टिस की मांग की जा रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, वहां पर महिला के साथ एक विभत्स कांड हो जाता है, लेकिन इस मामले पर अभी भी राजनीति नहीं थम रही है। उल्टा ममता बनर्जी पे जो लोग पोस्ट कर रही हैं, अगर उस मामले को लेकर कुछ तंज कस रही हैं या चीजें पूछ रही हैं, जो जनता के वक्त में सवाल कर रही है, तो उसे कोलकाता पुलिस जो है जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है। यही नहीं, उनकी पार्टी के एक नेता, टीएमसी के ही एक सांसद ने भी जब इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई, इस मामले को लेकर सवाल पूछा, तो इसे लेकर कोलकाता पुलिस ने उस सांसद को भी समन जारी कर दिया। और ऐसे कई तरह के केसेस, कई तरह के तमाम लोगों के लिस्ट है जिसे कोलकाता पुलिस ने समन जारी करके सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि उन सभी लोगों ने आरजीकल मेडिकल में हुए इस विभत्स कांड को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछे थे, ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा था, या फिर ममता बनर्जी के राज्य में एक निष्पक्ष जांच को लेकर क्वेश्चन खड़े किए थे। अब ऐसे में एक बार फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कोलकाता पुलिस के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश है, और डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रही है, और डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है, और ये प्रोटेस्ट जो है, ये मार्च जो है, उन्होंने लाल बाजार तक के लिए निकाला है। आपको बता दें कि लाल बाजार जो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहां तक जो है वो लेकर गए हैं इस प्रोटेस्ट को। वहां पर वो कह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ की जरूरत है, और हमें जो है किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में इंसाफ चाहिए, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक ट्वीट किया है, कोलकाता पुलिस से कहा है कि अगर उनके पास समय हो तो एक पोस्टर उन्होंने बनाया है, एक पिक्चर जो उन्होंने साझा किया है जिसपे ममता बनर्जी का, उसमें कहा है कि उन्होंने कलर भर दीजिए। और ये तंज था क्योंकि कोलकाता पुलिस मेन जो कल्प्रिट है, मेन इस पूरे मामले में जो आरोपी है, उसे छोड़कर यूं कहिए कि इस मामले को और गंभीरता से लेने के बजाय बाकी सारे काम कर रही है। ममता बनर्जी पर किसी ने पोस्ट कर दिया, उसको अभी 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 आपको बता दें कि इस आरजीकल मेडिकल को लेकर स्टूडेंट द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, स्टूडेंट ने एक कॉमेंट किया ममता बनर्जी के ऊपर, तो उसे भी पुलिस उठा ले गई। तो जरा देखिए किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से जस्टिस की मांग कर रही है, और काफी कुछ उनका कहना है। जरा देखिए सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स का क्या कहना है। आज के शहर मत जो शहर के सबा बोलत स्वार्थपर शहर, बसे बसे खाली आज के अनलाइने खबर अर्डर कर सिनेमा देखे, आज के से शहर जख लाखे लाखे हजारे हजारे कोटीते कोटीते मजराते रास्ता एसे दाड़ा, आज के से शहर जेखने एक लक्ष मानुष एक फाका स्टेडियम बसे थके प्रतिबाद करते, क्यों बसे थके, कारण आज के डाक्तर समस्या नये, आज के पॉलिटिकल प्रॉब्लम नये, आज के प्रति मानुष बोध कर घर समस्या, तर ऐले मेरे समस्या, जे ऐले मेगुलो के पढ़ते पाठबें, जे ऐले मेगुलो के स्कूल कलेजे पढ़ाशुना करते पाठबें, ता से लाछित जर्जरित बढ़ोबे क्या, आज के जीवन प्रश्न है। আমরা সাতটা সংগঠনের নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধি দল পাঠায়, আমাদের ঘোষিত কর্মসূচি ছিল 9-11 তারিখ রবিবার সন্ধ্যাবেলা, সেখানে দেড় ঘন্টা কথা হয় মিতার পরিবারের সাথে, এবং তার বাবা আমার হাতে যেহেতু প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে তুলে দেন হচ্ছে যে পোস্টমর্টম রিপোর্টটি, এবং বলেন যে আপনারা সরব হন, কারণ আপনারা যেটুকু সরব হয়েছেন সেই জন্যই আমার মেয়ে কিছুটা হয়তো বিচার পাবার আশা রয়েছে, তা না হলে এটুকুও পেতাম না। যেভাবে আমাদের ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছিল, প্রথমে মেয়েকে আত্মহত্যা করা হয়েছে বলা হচ্ছিল, তারপর মেয়েকে পাগল প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল, তারপরে হচ্ছে যে আমাদের 3-3.5 ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, মেয়ের মৃতদেহ দেখতে দেওয়া হচ্ছিল না, এবং তারপরে আরো অনেক বিষয়ে ওনারা বলেছেন যেটা সবটা আমরা সংবাদ মাধ্যমে বলছি না। এবং ওই যখন আমরা অটলসি রিপোর্ট দেন, তখন আমরা সারা দেশের একাধিক ফরেন্সিক এক্সপার্টের সাথে কথা বলি, আমাদের সংগঠনে কথা বলি, আমাদের একটা কালেকটিভ ওপিনিয়ন আমরা তৈরি করি যেটা আমরা সংবাদ মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে রাখি। সেখানে বেশ কিছু পুলিশ যা দাবি করছে, প্রশাসন যা দাবি করছে, তার সাথে বেশ কিছু আমাদের যে ফাইন্ডিং তার বেশ কিছু ফারাক দেখা দেয়, বেশ কিছু প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে। আমরা সেই প্রশ্ন যে ফাঁকগুলো রয়ে গেছে, সেই ফাঁকগুলো নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলেছি, সেইগুলো নিয়ে আমরা সরব হয়েছি,
কিন্তু একটাও কোনো মিসইনফরমেশন আমরা দায়িত্বশীল সংগঠনের নেতৃত্ব হিসেবে আমরা বলতে পারি, একটাও কোনো মিসইনফরমেশন আমরা ছড়াইনি। আমার একটাও আমরা কোন আমাদের কোন নেতা কোন কর্মী কোথাও হচ্ছে নির্যাতিতা এবং নিতার নাম পরিচয় ফাঁস করেননি, যেটা মাননীয় পুলিশ কমিশনার করেছেন, এক্স প্রিন্সিপাল ডাক্তার সন্দীপ ঘোষ করেছেন অন ক্যামেরা, সেটা আমরা ভিডিওতে দেখেছি, মিডিয়াতে দেখেছি, কিন্তু আমরা তা করিনি। আমাদের কোনোভাবে তদন্তকে হচ্ছে যে প্রভাবিত করবার কোন ইয়ে ছিল না, তদন্ত হচ্ছে যে সঠিক পথে যাতে চলে, তদন্ত হচ্ছে বিপদে চালনা করার চেষ্টা চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য ছিল। प्रोटेस्ट हम लोग जस्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो डिमांड था पहले जस्टिस वो सामने आ जाए, जो कल्पिट है उसको सामने आ जाए। तो पुलिस एंड गवर्नमेंट हम लोगों को ये आश्वास दिया है कि जस्टिस प्रिवेल हो जाएगा। अभी तो केस आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो से निकल गया, सुओ मोटो से पूरा केस खुद में ले लिया। तो यही हमारा डिमांड है कि जो हमारा प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट डिमांड है कि जस्टिस प्रिवेल हो, जो एक्चुअल में ये इतना घिनौना काम किया है वो सामने आ जाए बस। और हम लोग जो लड़की लोग हैं, लड़के जितना भी हमारा फीमेल डॉक्टर से, फीमेल एम्प्लॉय से, बाकी सब जगह के ये हमारा जो मिशिल है ये सबके लिए है, ठीक है, सब औरत लोगों के लिए है, सबका सेफ्टी सिक्योर करने के लिए है, ये हमारा प्राइमरी डिमांड है। हम लोग कैलकटा नेशनल मेडिकल कॉलेज से है, ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं कि आरजी कोर्ट में जो हादसा हुआ है, जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले, जो पर्पेट्रेटर्स है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सजा दी जाए, और बाकी जो सरकारी हॉस्पिटल्स है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे डॉक्टर्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ पे हम सेफ्टी रहे। ये अगर इंस्टीट्यूट किया जाए हर हॉस्पिटल में सेफ्टी मेजर्स, यही हमारी मांग है। जैसे कि आपने देखा और सुना कि काफी ज्यादा आक्रोशित है, मामले में इंसाफ की मांग कर रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी को इस मामले में जवाब देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी ममता बनर्जी पर तीखे सवाल दागे और ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। गौरव भाटिया ने कहा है कि ममता बनर्जी ने बहुत सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है और अब वो मार्च निकाल रही है। आखिर वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लेकिन उसके जगह पर वो काउंटर मार्च चल रही है। आखिर उन्हें क्या हो गया? उन्होंने यह भी कहा कि हमें इंसाफ चाहिए और इस वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए उनके गलत कारनामों को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक महिला की डिग्निटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम किया है और ये जो है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने इस पूरे विभत्स कांड में जो एविडेंस है उससे भी छेड़छाड़ में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया, उसको बढ़ावा देने का काम किया है। और ये चीज़ पूरी तरीके से ध्यान में रखी है कि जो गलत किया है जिसने, जो इस मामले में अक्यूज्ड है, उसे किसी तरीके की कोई पनिशमेंट ना मिल सके। तो आप देखिए कि बड़ा आरोप जो है गौरव भाटिया द्वारा लगाया गया और इस्तीफे की मांग की गई, क्या कुछ और कहना है बीजेपी नेता गौरव भाटिया का, जरा आप खुद सुनिए। जो कलकत्ता में हमारी बहन के साथ जघन्य अपराध किया गया है और उसके बाद जिस तरह से एक तरफ तो सीबीआई इस मामले में पूछताछ करती है, जो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के उनकी, और दूसरी तरफ निर्ममता बनर्जी और उनका जो आचरण है, आज पूरे देश में उसको देखकर आक्रोश है। लेट मी बिगिन बाय सेइंग एंड वेरी रिस्पॉन्सिबली सो दैट ममता बनर्जी, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑल्सो होल्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ द होम मिनिस्ट्री एज वेल एज द हेल्थ मिनिस्ट्री। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है, इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल।
इंसाफ मिलेगा। जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। और अभी प्रेस वार्ता में मैं आपके सामने जो बिंदु रखूंगा, ये प्रेस वार्ता हम जरूर कर रहे हैं लेकिन आज ये जनता की आवाज है जो पश्चिम बंगाल से लेके हर प्रदेश में जो आम नागरिक है, जो महिलाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अधिवक्ता हैं, आज सब आक्रोशित भी हैं, आंदोलित भी हैं। सबसे पहले हमें ये कहते हुए कष्ट है दैट ममता बनर्जी हैज बिकम ममता द डिस्ट्रॉयर। इन एसेंस व्हाट इज शी डिस्ट्रॉइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बाय हर मिसडीड्स शी हैज डिस्ट्रॉयड द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, अ डॉक्टर हु वाज सर्विंग द सोसाइटी। She is a destroyer of the rule of law, the anarchist Mamata Banerjee. She is the destroyer of evidence in this heinous crime. And I repeat, destroyer of evidence. And I will state my reasons. A chief minister, through her deeds or inactions, acts of commission or omission, destroying the evidence which is vital to ensure that the accused get the punishment they deserve. And as per the new criminal law, Bharatiya Nyaya Sanhita, death sentence, death penalty is the punishment prescribed. But why is it that Mamata the destroyer is hell-bent on destroying the evidence which is crucial for the case? And last and most importantly, the destroyer of the constitution of our country. Main agar Hindi mein kahun, to ek taraf Mamata Banerjee hain, jinka naam ab Nirmamata Banerjee rakha hua hai sabne. ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती है, जो पूर्व में प्रिंसिपल था जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को। तो जैसा कि आपने गौरव भाटिया को सुना, उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब लोगों को इस मामले में इंसाफ चाहिए, हमें इस मामले में इंसाफ चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, कोलकाता पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और वो लाल बाजार जो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है वहां तक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। दूसरी तरफ तेजिंदर पाल सिंह बघा ने भी कोलकाता पुलिस पर तंज कसा है, साथ ही साथ गौरव भाटिया ने अब ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।